राधा कृष्ण के कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा कृष्ण झूले पर झूल रहे होते हैं, जहां पर राधा कहती हैं कृष्ण से कि चलो कृष्ण वृंदावन चलते हैं। कृष्ण कहेंगे कि नहीं राधा, हम वृंदावन नहीं जा सकते। और दूसरी ओर आपको दिखाया जाएगा कि सांब राधा कृष्ण से पहले ही वृंदावन पहुंच जाता है और वहां पर वो एक स्त्री के पास जाता है जिसका नाम होता है यमिनी। और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि होती है शनिदेव की बहन। और वो सांब से पूछती है कि आप कौन हैं? मेरा नाम है यमिनी और श्री कृष्ण ने मुझे यमुना बना दिया है और इसी कारण से मैं यहाँ हूँ। और मेरे भ्राता शनि हैं जो यहाँ तपस्या कर रही हैं, और श्री कृष्ण के आने से पूर्व अगर वो जाग गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सांब ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अरे वाह शनिदेव। और वो ये कहकर कि अपने मन ही मन उनका यज्ञ भंग करने का सोचता है और जल का एक घड़ा ले जाता है और कहता है कि अब तो चाहे जो कुछ हो जाए, मैं शनिदेव का यज्ञ भंग करके ही रहूँगा। और ये सब देख कर श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि न जाने सांब अब क्या करने वाला है, अब वो कौन सी कुटिलता करेगा जिसकी वजह से शनिदेव का यज्ञ भंग हो जाएगा, जिसके बाद क्या होगा ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में, बेहद इंटरेस्टिंग। साथ ही आपको ये भी दिखाया जाएगा कल रात के एपिसोड में कि जो यमिनी स्त्री है जिसे श्री कृष्ण ने यमुना बना दिया है, उसके साथ श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ था। अब आकर इस पूरे सीन के पीछे केमिस्ट्री क्या है ये आपको पता चलेगा कल रात के एपिसोड में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सीएलसी आपा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यहीं। Yeah.